सो हेलो वेलकम बैक इन आवर न्यू वीडियो। तो दोस्तों अभी दोपहर के 12 बज रहे हैं और अभी मैं सीएस रैंक के अंदर में सोलो स्टार्ट करके रैंडम प्लेयर के साथ में खेलने वाला हूं और इसके बाद में मैं आज ही रात के 12 बजे फिर से दोबारा क्लेश स्क्वाड में सोलो मैच स्टार्ट करके रैंडम टीममेट के साथ में गेम खेलने वाला हूं। तो भाई लोग हमको ये देखना है कि जो हमारे साथ में दिन में रैंडम टीममेट आते हैं उनका गेम प्ले बढ़िया होता है या फिर जो रात में हमारे साथ में रैंडमली टीममेट आए हुए हैं उनका गेम प्ले अच्छा है। तो भाई लोग गेम स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपना क्लेश स्क्वाड का रैंक दिखा देता हूं। अभी मेरा रैंक है 37 स्टार जो कि ना ज्यादा हाई है और ना ही ज्यादा लो है। और इसके बाद मैं आपको अपना लेवल चेक करा देता हूँ। तो मेरा लेवल है 20। लेवल भी मतलब अच्छा ही है, ना ही ज्यादा हाई लेवल है और ना ही ज्यादा डाउन लेवल है। चलो भाई लोग बिना किसी देरी के इस इंटरेस्टिंग चीज को ट्राई कर दें और सीधा चलते हैं हम लोग गेम में। दोस्तों हमने अपना फर्स्ट मैच स्टार्ट कर लिया और यहाँ पर हमारे टीममेट का आप लोग निकनेम देख सकते हो, पर लेकिन नेम से कोई मतलब किसी का गेम प्ले हम लोग जज नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ से हमारा फर्स्ट राउंड स्टार्ट हुआ और हम सीधा रश कर देते हैं। यहाँ पर बाहर एक बंदा होता है तो मैं इसको अच्छा खासा डैमेज देता हूँ, बट मेरे को उधर से भाई एक वन टैप पड़ जाता है और यहाँ पर दूसरा आकर भाई बंदा मेरे टीममेट को भी नॉक कर देता है और दोनों को फिनिश कर देता है। और हमारे टीममेट दो बचे होते हैं, सामने बचा होता है एक प्लेयर जिसको काफी सारा डैमेज हमारे एक टीममेट करता है और उसके पास में सीधा रश कर देता है। बट उधर पीछे से हमारा दूसरा टीममेट भाई जोन से आकर इसके पास में आता है और किसका किल चोरी करके ट्रिपल किल के साथ में ये राउंड विन करा देते हैं। फर्स्ट राउंड काफी आसानी से विन करने के बाद में भाई हमारे टीममेट हमसे कुछ बोल रहे थे। तो आप लोगों ने सुन ही लिया होगा कि ये लोग क्या कह रहे थे, मतलब ये लोग बोल रहे थे साथ में रहें ताकि हम लोग काफी आसानी से राउंड को विन कर ले। मेरे हिसाब से आवाज से लग रहा था कि ये 10 से 11 साल का बच्चा था। तो यहाँ पर भाई सामने की साइड में बंदा था जिसको नॉक करके भाई मैं फिनिश कर लेता हूँ एंड इसके बाद मैं आगे जाता हूँ। तो यहाँ पर भाई हमारा टीममेट नॉक हो जाता है और सामने की साइड पे देखो भाई एक बंदा फिर वो भी नॉक है, यानी कि 2v2 है। और यहाँ से मैं ग्रेनेड को करता हूँ तभी मेरा भाई फोन आ जाता है जिसकी वजह से मेरे को भाई थोड़ा सा मतलब खेलने में प्रॉब्लम आ रही थी। तो यहाँ सीधा रश करता हूँ और एक बंदा इसको भाई मैं डाउन कर देता हूँ और फिर से भाई फोन आ जाता है जिसकी वजह से भाई पीछे से एक प्लेयर आके मेरे को मार देता है। और अब 1v1 की फाइट थी तो हमारा टीममेट बचा था और सामने एक एनिमी बचा था जिसको भाई हमारे दोस्त ने यानी हमारे फ्रेंड ने काफी आसानी से मार दिया और इस राउंड को विन करा दिया। और मैंने फोन उठा लिया था तो थोड़ा मेरे को गेम कम खेला जा रहा था तो इस राउंड में मैंने भाई एके उठा ली थी और अंदर पे हमारा प्लेयर नॉक हो गया था। सीधा भाई रश कर रहे थे, पता नहीं कैसे क्या कर रहे थे। तो इधर से मैं जैसे यहाँ पर आगे रश कर रहा हूँ तो भाई यहाँ पर दोनों प्लेयर थे मेरे को मार दिया और ये राउंड को भाई काफी बुरी तरीके से हमको हरा दिया। एंड इसके बाद में हम जैसे स्टार्ट करते हैं फोर्थ राउंड, तो यहाँ पर हमारा पहला टीममेट भाई दो दो टीममेट जाके नॉक हो जाते हैं। पर लेकिन हाँ अच्छी बात है कि वहाँ पर दो प्लेयर को नॉक कर दिया था और एक प्लेयर सामने था उसको क्या ही भाई वन टैप लगता है। अब भाई सामने सिर्फ और सिर्फ एक प्लेयर अलाइव था तो मैं सीधा यहाँ पर रश कर देता हूँ और बगल में मेरे को यहाँ पर प्लेयर दिखाई देता है। मैं ग्रेनेड उसके ऊपर कुक करके फेंक देता हूँ और भाई वो ग्रेनेड से गया था। हाँ भाई ग्रेनेड से किलाया था और उसके साथ में हम लोग ये राउंड विन कर लेते हैं। एंड इसके बाद में फोर्थ राउंड था तो यहाँ पर एक प्लेयर सामने के साइड में भाई ज़्यादा उछल कूद मचा रहा था, एक बार वो निकल रहा था एक बार मैं निकल रहा था। तो यहाँ पर दोबारा जैसे ही निकला भाई उसको काफ़ी ज़्यादा अच्छा खासा डैमेज पड़ गया तो मैंने उसके ऊपर सोचा भाई रश कर दी। पर लेकिन जैसे रश किया भाई उसने ग्लूवेल पहले से लगा दी थी तो मेरे को पीछे से भी पड़ने लगी क्योंकि उसका टीममेट एक पीछे से भी था। तो मैंने यहाँ पर पैक कर दिया और इसके बाद में मेडी मार ली मैंने और यहाँ पर देख सकते हो भाई इसने ग्लूवेल तोड़ी और जैसे ही ग्लूवेल तोड़ी तो मैंने इसको भाई डाउन कर दिया और सामने एक प्लेयर था तो हमारे टीममेट ने उसको मारकर ये मैच भाई काफी आसानी से विन करा दिया और ये मैच को हम लोग 4-1 के स्कोर से विन कर लिया। तो भाई लोग हमने अभी दोपहर का अपना एक मैच खेल लिया है रैंडम प्लेयर्स के साथ में और यहाँ पर आप लोग लीडर बोर्ड देख सकते हो कितना किल है क्या कुछ है। तो अभी आपको मतलब जज करना है, मैं दोबारा जब खेलूंगा गेम शाम को सीधा हाँ रात के 12 बजे जब खेलूंगा तो रैंडम प्लेयर के साथ में उनके गेम प्ले को और इनके गेम प्ले को आप लोगों को जज करना है। तो हम लोग चलो फिर सीधा आपको मिलते हैं रात के 12 बजे। तो दोस्तों अभी बज रहे हैं रात के 12 और हमने अपना रैंडम प्लेयर के साथ में क्लेश स्क्वाड का मैच स्टार्ट कर लिया और आप लोग नेम देख सकते हो। तो हमने पहले ही बोला था कि नेम देखकर किसी का गेम प्ले हम लोग जज नहीं कर सकते। तो राउंड स्टार्ट होते ही हम यहाँ पर सामने एक प्लेयर आता है, मैंने इसको भाई हेड बॉडी मार के अच्छे से नॉक कर दिया। एंड इसके बाद में भाई दूसरा प्लेयर छोटी शॉट गन लेकर आता है और उसको लिटरली भाई इसको हेड लगा था, इतनी दूर से मेरे को मार दिया। और मेरे टीममेट देखो भाई ऊपर टहल रहे, पता नहीं ना तो भाई 4 नंबर तो देखो कहाँ पर भाग के गया मैं, यानी कि मेरे को छोड़कर सामने प्लेयर नॉक था उसको भी छोड़कर ये लोग भाई पता नहीं क्या कर रहे थे। देखो तो भाई मतलब राउंड ही हरा दिया, गजब खेला भाई लोगों ने।
इसके बाद में स्टार्ट होता है हमारा सेकंड राउंड। तो इस राउंड में मैंने ले ली थी डेजर्ट टेगल, और भाई वन टेप तो लगता नहीं, फिर भी मैंने बाय कर ली थी डेजर्ट टेगल। और यहाँ पर सामने एक प्लेयर गया और दूसरा प्लेयर इधर पे था भाई, इसको दो गोली पड़ी। और देखो भाई हमारा टीममेट देखो एक नंबर कितना ज्यादा ओपन में खड़ा होकर भाई मार रहा था, जैसे इसके अनलिमिटेड एचपी हो तो मारेगा ही नहीं। तो यहाँ पर एक प्लेयर को मैंने नॉक कर दिया ग्रेनेड से, और मेरे को पीछे से पड़ने लगी तो मेरे को बाहर यहाँ पर निकलना पड़ा। और ये प्लेयर भाई अंदर आ गया और इसको मैंने दो गोली मारी और इसने नॉक कर दिया। और अभी देखो हमारा दो नंबर वहां पर भाई पता नहीं अलग ही ना से मैं उकोंग बनकर वहां पर टहल रहा है, पता नहीं किस मतलब कुछ मतलब ही नहीं है ऐसा खेल रहे थे। तो हम लोग दूसरा राउंड भी आ जाते हैं भाई, अभी स्कोर 2-0 था। तो यहाँ से मैं ऊपर जंप करके इस वाले छत के ऊपर आ जाता हूँ और यहाँ से भाई मैं अपने टीममेट को कवर देने की कोशिश करता हूँ, और मैं वैसा ही करता हूँ। सामने एक प्लेयर था जिसको मैंने नॉक कर दिया, और नॉक करने के बाद में इसको भाई मैं सोचता हूँ तुरंत फिनिश हो जाए, फिनिश हो भी गया। और सामने एक बंदा ड्रॉप पे था तो मैंने इसके ऊपर फायर किया और उसको भाई 55 का हेड लगा। और तभी अचानक से भाई पीछे से एक बंदा आके भाई मेरे को देख लेता है और एक भाई तुरंत नॉक कर देता है। अब भाई देखो हमारे टीममेट लोग का गेम प्ले, ये लोग कैसा खेल रहे थे मतलब देखो, बस इनको देखो भाई, मैं कुछ नहीं बोलूँगा। लोग इधर जा रहे थे उधर जा रहे थे भाई, नॉक किया एक प्लेयर को तो नॉक किया और फिनिश भी कर लिया। सामने एक प्लेयर और है और उसको भाई हमारे दूसरे प्लेयर ने मैक्स 7 भर दी। अब हमारा स्टार्ट होता है भाई फोर्थ राउंड। तो यहाँ से एक प्लेयर सामने से आ रहा था भाई, इसको एक सेमेट का क्या ही तो हेड लगा। तो यहाँ से मैंने सोचा भाई दूसरा टीममेट है इसको रिवाइव करने, तो मैं यहाँ से उसको भी मार दूँ, पर लेकिन इसका कोई टीममेट आ ही नहीं रहा था तो इसको फिनिश कर लेता हूँ मैं। आगे चलने के बाद में मेरे पास में दो एक सेमेट हो गई थी और यहाँ पर भाई खड़ा था उकोंग, इसका हो गया सोनिया एक्टिवेट और मेरे को भी डाउन कर दिया। तो सोनिया एक्टिवेट हो गया था जिसकी वजह से मैं ये राउंड विन कर लेता हूँ। एंड अब स्कोर था 2-2। इसके बाद में मेरे पास में आ गई थी भाई MP40 और XM8। इस राउंड के स्टार्ट होते ही भाई यहाँ पर सामने से देख सकते हो मैंने काफ़ी अच्छा डैमेज किया, पर उसने भी मेरे को भाई डैमेज कर दिया था, मेरा हेलमेट ही तोड़ दिया था। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा होल्ड किया और भाई सामने से क्या ही तो कैसे मार रहा यार ये सामने भाई, वहाँ पर जाकर छिपा है बंदा। इसके पास में भाई मैंने ड्रैगन फ्रीज फेंकी और डैमेज भाई हाँ लगातार 2 बार डैमेज आया, तो काफ़ी ज़्यादा डैमेज था। तो मैंने सोचा भाई सामने की साइड पर चलते हैं इधर पे, क्योंकि हमारे टीममेट को यहाँ पर नॉक कर दिया था एक प्लेयर ने, तो शायद से हाँ उसको हमारे प्लेयर ने भी नॉक कर दिया। तो काफ़ी आसानी से उसने भाई काफ़ी अच्छा कवर दिया, सामने प्लेयर बचे थे 2 प्लेयर। तो अभी यहाँ पर मैं अंदर जा रहा था कि मेरे को बाहर एक प्लेयर दिखाई दिया और बाहर जैसे निकला भाई भाई तो इसको मस्त सा हेड लग गया एक सेमेट, और दूसरा प्लेयर यहाँ पर था हमारे 4 नंबर को नॉक कर दिया। तो भाई निकलेगा, और ये भाई हमने इसको MP40 से मार कर ये राउंड को आसानी से विन कर लिया। तो स्कोर हमारा था 3-2। एंड इसके बाद में हमारा राउंड स्टार्ट होता है 5 स्टार्ट भाई यहाँ पर 6 राउंड, और सामने एक प्लेयर भाई सीढ़ियों से ऊपर जा रहा था, तो भाई क्या इसको काफ़ी अच्छा डैमेज दिया। और इसके बाद में भाई तुरंत भाई मैं भी जाके इसके छत के ऊपर आता हूँ और ये बाहर निकलता है, इसका सोनी एक्टिवेट होता है, और भाई क्या ही तो मेरे को भी मार दिया था यार, एक ही गोली का बचा था मैं। तो हमने यहाँ पर पहला प्लेयर अपना फिनिश कर लिया है और हमारी साइड का भी भाई एक टीममेट नॉक हो जाता है। पता नहीं भाई कैसे खेलते हैं कि सबसे पहले तो ये लोग नॉक ही हो जाते हैं। और यहाँ पर सामने की साइड पे शायद हाँ इधर ही पे बंदा था, हाँ भाई ड्रैगन स्प्रीज से आ रहा था डैमेज, नहीं आया। और इधर पे बंदा आ गया है, इसको भी भाई काफ़ी अच्छा से सामने एक प्लेयर आ रहा है और भाई एक गोली का अरे क्या कर रहा है, एक गोली का एक प्लेयर और भाई हमारे टीममेट मार दिया इसको भी। और हम लोग ये मैच भी काफ़ी आसानी से नहीं बोलेंगे भाई, स्टार्टिंग के 2 राउंड भाई क्या ही तो बुरी तरीके से हम लोग हारे थे। तो हमने भाई काफ़ी आसानी से कितनी बार बोलूंगा भाई काफ़ी आसानी से तो ये राउंड को विन कर लिया। और अभी आप लोग लीडर बोर्ड देख सकते हो भाई कि हमारे टीममेट ने कैसा खेला है, किसने कितना किल किया है। वैसे हमने तो दोनों मैच मतलब विन कर लिया था, दिन में जो मैच 12 बजे खेला था उसको भी विन कर लिया था, और रात में जो 12 बजे भी खेला है इसको भी विन कर लिया। ये बात आप लोगों के ऊपर है कि आपको भाई कैसा लगा कि जो प्लेयर हमारे साथ में दिन में आए थे 12 बजे वो गेम प्ले सही कर रहे थे, या फिर जो भी रात में 12 बजे आए थे इनका गेम प्ले बढ़िया था। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना, और ये भी बताना कि आप लोग गेम कितने बजे और कब खेलते हो।